हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, इस वीडियो में देखेंगे पुनरावृत्तात्मक शिक्षण योजना 2। ये जो शिक्षण योजना ये है उपचारात्मक शिक्षण योजना के अंतर्गत, जो कि कक्षा 4 गणित की है। तो इसमें शिक्षण उद्देश्य क्या है, 1 से 20 तक की संख्याओं की गिनती करना या दहाई की अवधारणा का विकास करना। इसके लिए आवश्यक सामग्री क्या है, इसके लिए आवश्यक सामग्री तीली होना चाहिए, रबर होना चाहिए, रबर बैंड, धागा, कंकड़, पत्ती, फल, लकड़ी। उसके बाद शिक्षण के प्रारंभ में 5 से 10 मिनट ये चलेगा। उसके बाद शिक्षक बच्चों से सामान्य बातचीत करते हुए प्रश्न पूछेंगे, जैसे 3 तीली में 2 तीली और मिलाकर कुल कितनी तीलियां हुई। दूसरा प्रश्न करेंगे, इस प्रकार अन्य सामग्रियों जैसे फल, ककड़ी, कंकड़ आदि को मिलाकर बातचीत करते रहेंगे। बच्चों के छोटे समूह में 20 तक की सामग्रियों को रखेंगे। उसके बाद उनमें से एक बच्चे से एक सामग्री और दूसरे बच्चे से एक सामग्री एक साथ रखने को कहेंगे तथा गिनवाएंगे। बच्चों को इसे 10 के समूह में अर्थात दहाई के रूप में बताएंगे। शिक्षण के दौरान क्या करना है, चरण 1 में समझ का विकास। इसमें क्या है, शिक्षक बच्चों को अलग अलग संख्याएं बोलकर वस्तुएं निकालने को कहेंगे। अब बच्चों को सभी वस्तुएं गिनकर 10 तीलियों के बंडल बनाने को कहेंगे। बच्चों द्वारा बनाए गए समूहों 10 तीलियों के बंडल के साथ ही इकाई खुली वस्तुओं की जानकारी लेंगे या गिनवाएंगे। सभी बच्चों को इस प्रक्रिया का चित्र बनाने को कहेंगे, जिसमें बच्चे 10 वस्तुओं को एक बंडल से प्रदर्शित करेंगे तथा खुली वस्तुओं को इकाई से, साथ ही 10 के बंडल के नीचे 1 लिखेंगे तथा इकाई गिनकर अंकों में लिखेंगे और दहाई व इकाई के अंकों से बनी संख्या को लिखेंगे। चरण 2 में कौशल अभ्यास करना है। इस प्रक्रिया को 20 तक की संख्याओं के साथ बार बार दोहराएंगे। जैसे 20 में 10 के कितने बंडल बनेंगे तो बच्चे बताएंगे 2 बंडल बनेंगे। 18 में कितने इकाई बची तो बच्चे बताएंगे 1 दहाई बनेगा और 1 8 इकाई बनेंगी। उसके बाद बच्चे इस प्रक्रिया करते हुए चित्रों के साथ साथ गिनती भी लिखेंगे। उसके बाद संख्याओं को दहाई में लिखिए, तो ये अभ्यास करवाएंगे। 17 माइनस कितना करें, 17 में कितने दहाई होगा और कितना इकाई, तो 1 यहाँ पर दहाई हो जाएगा और 7 इकाई। उसके बाद 19 में 1 दहाई हो जाएगा, उसके बाद 9 इकाई। इसको इस तरीके से लिखेंगे, 9 इकाई। उसके 13 में 1 दहाई 3 इकाई, 8 में 0 दहाई और 8 इकाई। तो ये गतिविधि कर लेंगे। नेक्स्ट आता है गतिविधि 0 से 9 तक के अंकों की आकृति को रस्सी या धागे की सहायता से बच्चों को बनाने का अवसर दें, तो ये अवसर देंगे। उसके बाद शिक्षण के अंत में क्या करना है, आकलन अभ्यास कर रहेगा। उपरोक्त गतिविधि को बच्चों के साथ आनंद पूर्वक कराया जाए। गृह कार्य में क्या रहेगा, 9 तीलियां व 1 तीली मिलकर कितने हुए, क्या हम इसे 1 दहाई कह सकते हैं, ये प्रश्न रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, 12 तीली में से बंडल बनाकर बताएं कि इसमें कितनी दहाई व इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, 3 पत्तियां और 9 पत्तियां मिलाकर कितने हुए, बताइए व गिनकर लिखिए। उसके बाद मार छलांग, ये जो है गतिविधि करानी है बच्चों को। दिए गए चित्र के आधार पर जमीन पर एक चित्र बनाएं। आकार के खाली स्थानों में उन अंकों को लिखें जिन्हें आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं। बच्चों को बारी बारी से बुलाएं। लिखे हुए अंकों में से आप एक अंक बोलें। हर बच्चे को बोले गए अंक पर कूदना है, ठीक मेढक की तरह। फिर दूसरा अंक बोलें। अब बच्चे को पहले अंक के स्थान से बोले गए दूसरे अंक पर कूदना है। तो इस तरीके से एक्टिविटी कराई जाएगी। तो ये जो है शिक्षण योजना जो है पूरी हो जाएगी। तो गाइस, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।